तो डायनेमिक चार्ट की हमारी अगली टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास दो डेटा है, लेकिन दोनों डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा जनवरी जो कि टॉप आपका वर्टिकल है और आपका फरवरी का सेल जो हॉरिजॉन्टल है। अब मुझे दोनों के ऊपर चार्ट बनानी है, बट मेरा जो सिक्वेंस है ना, जैसे जो इसका सिक्वेंस है सेम इसी का सिक्वेंस है, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो हमने क्या किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हम चार्ट्स पे गए, एक ब्लैंक चार्ट ले रहे हैं क्योंकि हम किसी डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है, इसलिए हमने एक ब्लैंक चार्ट को लिया हुआ है। अब सर, अगर इसको नेम सब सेम ऑर्डर में है तो हम ट्रांसपोज करके क्यों नहीं कर सकते? नहीं, तो बेसिकली कि सेम ऑर्डर में है, लेकिन हो सकता है कि डेटा कहीं और से लिंक हो, ये डेटा कहीं और से लिंक हो। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो चल जाइएगा ना, अलग अलग सीट्स पे हो, ये सिर्फ डेटा ही ना हो, इसके साथ और भी कैलकुलेशन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ट्रांसपोज तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारा माने कि है ही फीचर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं ट्रांसपोज ना कर सकूँ तब क्या करें। ठीक है। और ट्रांसपोज ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट मैम? तो यहाँ हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा पे, राइट क्लिक करके ऐड करेंगे, और यहाँ पे सीरीज नेम जैन दे दिया, और यहाँ पे हम सीरीज को सिलेक्ट कर लिया। तो चार्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक एक कॉलम हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा कॉलम वर्टिकल हो, दोनों को आप वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, वैल्यूज आएंगे ना? वैल्यू जाएंगे, हमने गलत सेलेक्ट कर। ये अलग अलग सीट पे भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप कर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे ओके करें, आपके सामने डेटा आ गया, जो कि दो अलग अलग टाइप का डेटा या दो अलग अलग सीट का डेटा हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बोलना मैम? सर, अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ट की अगली जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर। क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे छोटा डेटा मंथ वाइज है ना, मैं एक काम करता हूँ कि इसमें नेम और यहाँ पे सिटी दे देता हूँ, सिर्फ नेम और सेल्स दे दिया, सिटी हटा देता हूँ, और यहाँ हमने नीचे तरफ इसको ड्रैग कर दिया। इसमें रिपीटेड वैल्यू है। अब मुझे जो चार्ट बनानी है वो बनानी है इसके ऊपर, और जाहिर सी बात है कि इस पे हम चार्ट नहीं बना सकते क्योंकि चार्ट हमेशा समरी पे बनता है, ना कि डेटा पे। ये तो एक डेटा है, फिर अब मुझे इसका चार्ट बनाना है तो कैसे बना? तो इसके लिए हम इसकी समरी तैयार करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यूनिक नाम का फॉर्मूला है, इस यूनिक नाम से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को, तो इसके जितने भी यूनिक नंबर्स हैं वो आ जाएगा। फिर यहाँ हम सेल्स के लिए सम इफ्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, सम इफ का या सम इफ्स का और यहाँ पे एंटर मार देंगे नीचे की तरफ। अब इसमें हम ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये बताता हूँ इसका रीजन। जब मैंने चार्ट बना लिया, अब चार्ट यहाँ बन गया, चार्ट बन गया, चार्ट दिख भी रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो करनी है आपने अच्छे से कर भी लिया, लेकिन अब हुआ क्या, आपके पास दो दो डेटा है ना। अब आपने इस डेटा को अगर हाइड कर दिया तो चार्ट भी आपका हाइड होगा। तो ध्यान रखिएगा, चार्ट जब भी बनता है सिर्फ विजिबल डेटा पे बनता है, हिडन डेटा पे नहीं बनता है, ठीक है? इसलिए अच्छा, जिस पे चार्ट बना है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब हम जब रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हमें बहुत ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है सर। तो अब इसको मैं यहाँ पे, अगर दिक्कत है, अगर इसको डेटा को हाइड करना है तो आप चार्ट उसी के ऊपर रख दो, क्या? राइट। अब समटाइम क्या होता है कि हमें डेटा और चार्ट दोनों शो करने होते हैं,
उस केस में क्या प्रॉब्लम होता है कि हम इसको एक साथ इस तरह से रखते हैं तो मेरा स्पेस कैप्चर करता है, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं जैसे कि चार्ट वगैरह बनाते हैं, अगर हम DSLS रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है कितना कंजेस्टेड है। अगर हम इसमें किसी चार्ट को बहुत बड़ा कर दें तो काफ़ी स्पेस खा जाएगा ना, क्योंकि हमें जब डैशबोर्ड बनाते हाँ हैं तो एक छोटी सी लोकेशन में सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ जाती है। जैसे आप कार के जब ड्राइवर सीट पे जाते हो तो कार की पूरी कंट्रोल होती है ना, वहाँ अगर बड़े बड़े बटन्स लगा दिया गया है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना। राइट उस केस में अब चार्ट डिजाइन के अंदर में मैंने बताया था लेआउट फाइल, जो कि टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें टेबल और चार्ट दोनों बन जाते हैं, इससे आपका कम स्पेस कैप्चर करता है। क्लियर है? हम बात करते हैं चार्ट की डायनेमिक के चक्कर, चार्ट का जो डायनेमिक है उसके चक्कर में। जैसे अभी महीना जो चल रहा है वो चल रहा है अगस्त का, तो मेरे पास जुलाई तक का डेटा है, तो हमने जुलाई तक के डेटा को सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे अपना चार्ट बना दिया और चार्ट बन भी गया। अब अगले महीने अगस्त का डेटा आएगा, अब अगस्त की डेटा आया, अब इस पे प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर मुझे चार्ट को रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बोले ठीक है मैं एक काम करता हूँ, 13 तक हमारा दिसंबर आता है, मैं 13 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा करने पे क्या होता है, यहाँ ब्लैंक दिख जाता है ना मैम। अब मुझे यहाँ पे चार्ट बनानी है लेकिन मैं कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ता घटता जाए। अब यहाँ पे आपकी मदद करेगी ऑफसेट फॉर्मूला। अच्छा, आपने अभी तक ऑफसेट फॉर्मूला को जाना था कि किसी भी सेल का वैल्यू देने के, जैसे यहाँ पे गया मैंने बोला कि यहाँ से 1 रो 0 कॉलम, तो इसकी वैल्यू जनवरी यहाँ पे आ जाती है ना सर। इसी में अगर मेरे पास हाइट है, इसे मैंने बोल दूँ हाइट कि मुझे जो है 7 चाहिए, विड्थ 1 चाहिए, तो आप देखेंगे कि जैन से जुलाई तक का डेट दे दिया। तो ऑफसेट करता है क्या, क्या वैल्यू देता है? जी नहीं, वो देता है एक एड्रेस। मैं इसको काउंट फॉर्मूले में लगा के और फॉर्मूला एवलेट करके बता रहा हूँ कि क्या क्या रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे A2 से A8, तो ये कर क्या रहा है फॉर्मूला। A1, A1 से स्टार्ट डेटा है, 1 रो मतलब कि 1 रो नीचे आया, 0 कॉलम मतलब सेम कॉलम, और हमने बोला कि रो की हाइट जो है 7 है, तो यहाँ से उसने A2 से लेके 7 को काउंट किया, कहाँ तक, A8 तक, और रिजल्ट दे दिया इस। अब इसको डायनेमिक करने के लिए जहाँ पे हमने 7 दिया है ना, उसमें हम काउंट ए का फॉर्मूला लगा, तो काउंट ए क्या करेगा ये बता सॉरी वायरल हो गया है, माफी चाहूंगा। यहाँ पे 9 दे दिया, बट प्रॉब्लम ये थी, तो 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो काउंट ए हेडिंग को भी काउंट कर लेता है, इसलिए एक हमेशा माइनस करना हो। ठीक है, अब मैं इसको एबुलेट करके बताता हूँ कि क्या कर रहा है फॉर्म। 8 दे दिया, अब ये दे दिया A2 से A9। कल के डेट में अगस्त के जगह पे सितंबर आ जाता है, तो ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये जाएगा A9 के जगह पे A10, जो कि काउंट ने 10 दिया, 18। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस ऑफसेट फॉर्मूला को हम डायरेक्ट चार्ट में नहीं लगा सकते, इसके लिए मैं जाऊंगा डिफाइन नेम, और यहां पे मान लीजिए हमने एम का यूज कर दिया, MM, और यहां पे वो फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं जो फॉर्मूला हमने यूज किया था। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं यहां से, और यहां पे इक्वल लगा देते, लेकिन याद रखिएगा जब भी फॉर्मूला को
ओके करें उससे पहले सब कुछ फ्रीज कर लीजिएगा, ये जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। फ्रीज करके हमने ओके कर, मतलब कि अब मैं इस पे जाऊंगा और जहां पे ए आपका ए कॉलन का जो डेटा है A2 से A9 उसको डिलीट करूंगा, लेकिन सीट का नेम डिलीट मत कीजिएगा, सीट के जो एक्सप्रेशन मार्क के बाद ही रखिए और इसमें MM करके एंटर मार दिए। अब देखिए ये यहां तक ही पकड़ लिया ऑटोमेटिक। अब सेम फॉर्मूला हम वो वापस डिफाइन नेम में आते हैं और SL के नाम से बनाते हैं, सेम फॉर्मूला, बस इसमें हम जो कॉलन हमारा F4 यहाँ कर देता हूँ मैं, जहाँ कॉलन है हमारा ना 0 उसके जगह पे 1 करता हूँ, मतलब कि अगली कॉलन, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ और जहाँ हमारा बी कॉलन का रेफरेंस था सीट नेम और एक्सप्रेशन मार्क के बाद में उसको सेलेक्ट करके हम SL लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं। अब मेरा चार्ट फुल्ली डायनेमिक हो गया। कल के डेट में अगर सितंबर हटता है तो ये हट जाएगा, ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा, अगस्त हटता है हट जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अगस्त डालूंगा वापस अगस्त की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया सर? आपको समझ में आया सर? सर परी एक बार दोबारा बता दो ये। हाँ आपको ऑफसेट फॉर्मूला समझ में आएगी, नहीं समझ में आया पहले बताइए। वही 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 दोबारा बता दो देखिए ये ऑफसेट फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या रिक्रिएशन। करता है, वो एक रेंज देता है, जैसे कि A2 से लेके A9 ये रेंज देता है, समझ में आया? सिंपल सा। तो इसका तरीका क्या है कि आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से, तो आपको रेंज जहां से डेटा स्टार्ट है वहीं से लेना है, नहीं उसके अगली रो से लेना है, सेम कॉलम से लेना है, हाँ 0 मतलब सेम कॉलम या फिर अगले कॉलम से। फिर कितना रो का आपका चाहिए एड्रेस हमने बोला। अब ये जो यहां तक जो हुआ ये आपका A2 का पार्ट हुआ, क्या पार्ट हुआ? A2 का, ये A2 पकड़ लेगा। अब पूछ रहा है कि A2 से कितना रो नीचे चाहिए, तो हमने बोला कि पहले काउंट कर लो जितना है ना उससे 1 माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि हेडिंग को नहीं लेना है ना, हमें हेडिंग के बाद लेना है ना, तो इसने तो हम यहाँ माइनस पे किया। A1 की जगह A2 क्यों नहीं करते? फिर हम क्या? ऑफसेट वाले फॉर्मूले के बाद हमने A1 लगाया ना, हाँ तो इसको हम A2 कर देते हैं, मतलब तो हाँ A2 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा स्टार्ट वहां माइनस से है ना, वन। फिर इसके नहीं आगे वो भी तो तो है, चलेगा बट ना, हेडिंग हेडिंग हटा देंगे ना अब, तो मतलब फिर बात तो काउंट भी एक तो ही है आपका लेगा अभी। ही ना, काउंट अभी 2 माइनस करने पड़ेंगे आपको, अच्छा बात समझ आया ना? इसलिए हमने स्टार्टिंग से लिया, और ऑफसेट हमेशा स्टार्ट ऑफ द डेटा का आता है, तो इसलिए स्टार्ट ऑफ द डेटा ही इसको रखिए। हालांकि आप इसको अपने हिसाब से चेंज करके देखिए क्या होता है। और सेम कॉलम चाहिए, हाँ सेम कॉलम चाहिए, तो इसने क्या किया A2 से A9 का रेफरेंस बना दिया, बना दिया। कल के डेट में यहाँ पे A10 में वैल्यू होगी तो काउंट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, तो ऑफसेट भी अपना रिजल्ट बढ़ा देगा, A9 से A10 हो जाएगा। ठीक है सर? और हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इसमें नहीं डाल सकते, तो उसी फॉर्मूले को हमने डिफाइन नेम में डाल दिया, क्योंकि चार्ट बोलता है कि हम नेम मैनेजर ले लेंगे बट कोई फॉर्मूला नहीं ले, तो उसी फॉर्मूला को हमने नेम मैनेजर में डाल दिया। अब ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, इसकी आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आज दे रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको कि ये आपको जो है निगेटिव और पॉजिटिव का नंबर है प्रॉफिट एंड सेल का, या आपको जो है निगेटिव लाइन के बगैर ही दोनों सिमिलर बनाना है, जैसे कि ये बना हुआ है ना इस तरह से बनाना है, निगेटिव को रेड और पॉजिटिव को कलर कर देना है, ग्रीन कलर करके एक ही जैसा बनाना है चार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2 है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास नेम है लेकिन मैं चार्ट नेम वाइज नहीं इसके टोटल वाइज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक करके मंथ वाइज चार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूजा ने कितना टोटल सेल किया है, तो आपको चार्ट बनाना है टोटल के हिसाब से। ओके ये ठीक है, मेल फाइल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कर देना सर व्हाट्सएप।